और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर बता दें जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होंगे। शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं की सूची बनाई गई है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जा रही है। कार्यकर्ता यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा की जाएगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी। 12 राज्यों से होती हुई कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू करने जा रही है। 17 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी जो कि 12 राज्यों से होती हुई कश्मीर पहुंचेगी और इस यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं, लगातार जारी हैं। मध्य प्रदेश से भी युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, कांग्रेस की यात्रा शुरू होने जा रही है, तैयारियां किस तरह से जा रही है क्योंकि प्रदेश से भी बड़ी संख्या में युवा शामिल होने वाले हैं? बहुत ही बड़ी इसको यात्रा कहा जा सकता है क्योंकि देश भर में इस यात्रा का असर जो है राजनीतिक हलकों में देखने को मिलेगा। और तो ये जरूर कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो तो यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर कन्याकुमारी से शुरुआत होगी 7 सितंबर को। और इसके पहले अगर बात करें तो इस पूरी यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कहीं ना कहीं इस यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को अब की जा रही है। और जैसे ही कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत होगी तो 12 राज्यों से होते हुए ये यात्रा जब कश्मीर पहुंचेगी तो इसका समापन भी होगा। लेकिन इन तमाम सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने इस पूरी यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है और इस सूची में कार्यकर्ता जब शामिल किए गए हैं तो वो इस यात्रा में मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कोशिश ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो है वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जब ये यात्रा निकलेगी तो कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश का मूड भी बदलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की राजनीति का मूड बदलता है तो उसका सीधा असर 2023 के चुनावों में और 24 के चुनावों में देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में अच्छा खासा बहुमत जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है। जी बिल्कुल दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी 17 सितंबर से, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी जो कि 12 राज्यों से होती कश्मीर पहुंचेगी और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो तैयारियां लगातार इस यात्रा को लेकर जारी है। मध्य प्रदेश से भी युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे जिनकी सूची तैयार कर ली गई है।